मैं इससे पहले के शेर पढ़ने शुरू करूँ मंसूर साहब की भाभी को भी सलाम करता हूँ। ये खाने के काफ़ी वक्त हो गया है और गुजरी हुई आधी रात और बाकी जो आधी रात बची है वो मैं देख रहा हूँ मेरे साथी जो मेरे भाई शायद दोस्त मेरे भाई बैठे हुए हैं इनकी आँखों में आप मेरी आँखों में भी देख रहे हैं। अल्लाह करे कि जिंदगी हो जाए तो दस पाँच मिनट का मानूँ। ये जो मतलब मैं पढ़ रहा हूँ ये थोड़ा सा लेट हो गया है, पाँच सात दिन कहा गया था कोई हफ्ते भर पहले और उम्मीद थी कि जिस वक्त मैं आऊँगा आपके शहर में ग्वालियर तो इस मतले को बिल्कुल वही फ़ज़ा साजगार मिलेगी, लेकिन शायद वो थोड़ी कम है, लेकिन मज़ा वही ले लीजिएगा जब आपके यहाँ पर 3 डिग्री की सर्दी पड़ी थी पूरा वक्त खिला जाता हूँ। पहला शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि मेरी नींद और आपकी नींद कम कर सकें। ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। क्या कहना है? ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है जो सूरज भी दुहाई मांगे। मेरी नींद तो कम हो गई, अल्लाह करे कि अब मेरी जिम्मेदारी होगी कि मेरी उनकी नींद में हो। जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम हाकिम की फकीर पे तरस आता। जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीर पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। वाह वाह वाह, अपने ये बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं मेरे सामने, मैं इनसे इनको शरीक करता हूँ मेरे शेर में। ये गजल वाले थोड़े GST से दूर रहते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की आपके करीब आगे ले रहे। वाह, अपने हाकिम की फकीर पे तरस आता, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे और सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, ऐसी ही आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे, अपने मुनसिफ की जहानत हो कुर्बान, कि जो अपने मुनसिफ की जहानत पे हो कुर्बान, कि जो कत्ल भी हम हो हमी से ही सफाई मांगे। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चढ़ा उड़ा ले गई सराहने। अरे वाह, बचा के कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराब उड़ा ले गई सराहने से। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। नसीहतें न करो, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। एक शेर जिसके आगे पीछे मैं अगर कुछ कहना चाहूंगा तो कलीम कसर को बुरा लग जाएगा, लेकिन बहुत से शेर ऐसे होते हैं कि अगर ना कहा जाए तो शेर मर जाए। ये कलीम मेरे छोटे हैं, मतलब भाई हैं, इल्म में फन में शोहरत में इज्जत में दौलत में सबसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक चीज मेरे पास ऐसी है जिसमें मैं बड़ा हूँ,
और वो है उम्र। इन्हें तजर्बा नहीं है, कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है। कह रहा हूं कि हुआ है सामना, नसीहतें ना करो इश्क क्या करना, या और भड़क जाएगी बुझाने से। हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद, बहुत दिनों में पुरानी मिली पुराने से। बहुत दिनों में पुरानी मिली पुरानी, रहते रहने की आदत है मेरे कदमों को। बहुत दिनों में पुरानी मिली पुराने से, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं के चाय खाने, बहुत अच्छा जिंदाबाद। शराब खाने से निकलूं रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था तो दिसंबर, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया, और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है, कह साजिश को जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया, ये शरारत के सियासत के कह साजिश कोई। शाख पर फल आए इससे पहले पता था। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। शेर सुने दोस्तों, इससे पहले मैंने कुछ पानी बचा रखा था। वाह, ये देखो, अगर आप नहीं बोले तो ये बोलना शुरू हो गया, इसलिए आपका बोलना जरूरी है। आप जरा सा मुझे गर्म फरमा दे अच्छा मेरे भाई, कुछ शेर मेरा इसको मतलब आपकी आवाज को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया, अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंखें दोस्तों। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ ले गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर लेकर आया। एक शेर खासतौर पर सुनाना चाहता हूँ मैं इस शेर में, इस बदल में मैंने शेर कहा कि मुझे न जाने क्यों अच्छा लगता है। ये जॉन के एक शेर है, उससे इस्तेफादा भी कहा जा सकता है, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कोई शेर भी है, लेकिन एक किरदार की तब्दीली के साथ मैंने इसमें बड़ा फासला पैदा कर दिया। लेकिन और मेरा एक शेर आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे आप ज़रूर नवाज दीजिएगा। मेरा ख्याल है 50-60 बरस की शायरी की ज़िंदगी में मैं ये पहली बार कह रहा हूँ आपसे कि नवाज दीजिएगा, मेरा शेर अच्छा है। साजिश
समंदर अपने चूके होंठ लेकर आ गया अपने दरवाजे पे। मैंने पहले खुद आवाज की, क्या कहना है, अपने दरवाजे पे मैंने सुना था। पैसा तो नहीं है आपके, हमारी इसके भी चार गाड़ियों में एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर, ग्वालियर के अच्छे लोगों शेर सुन के बता देना मजा आ, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया अपने दरवाजे पे। मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज, वाह वाह, और फिर कुछ देर में खुद ही निकलता। बहुत अंदर जो ये सौ मंजिल में मंजिला इमारतें लंदन में देख रहे हैं और न्यूयॉर्क में देख रहे हैं और वाकई में और वहां शेर हो जाता है ना। जो ये हर सू फलक मंजर खड़े हैं, जो ये हंसू फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं, फलक मंजर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं, तुला है आग बरसाने पे सूरज, न जाने किसके पैर, नजर करता हूं, न जाने किसके पैरों पर खड़े हैं, खुदा है आग बरसाने पे सूरज, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं, मुझे आग बरसाने पे सूरज, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं, आग पानी मिट्टी इन चीजों से इंसान बना है। अब शेर का मतलब अनासुर खमसा, इसे हिंदी में पंचित तो कहते हैं, इस पर शेर कह रहा हूं, शजर भी छतरियां लेकर खड़े हैं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं, इन्हें नामों से मैं पहचानता हूं, मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं। मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं, उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, मना कर दिया गली ने मैं खड़ी होकर पहुंचा देना तो शेर ने कहा जला जाता। मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं, मेरे दुश्मन मेरे अंदर खड़े हैं, उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, उजाला सा है कुछ कमरे के अंदर, जमीनों आसमां बाहर खड़े हैं, जमीनों आसमान बाहर खड़े हैं, जमीनों साहब अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, कुछ हिसाब करूं, मैं चाहता था चराहों को आफताब करूं, अब अपनी रूह आफताब करूं उस आदमी को, बस एक धुन सवार रहती है, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं उस आदमी को ही जो मुझे कर्जदार करती रही,
बहुत असीम है दुनिया, इसे खराब करूं, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कभी अकेले में मिल जाए तो हिसाब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार, मैं तमाम मेरे नहीं हुआ, एक दूरा और है आपका, सुन के बताइए मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, जानकारों को भी ले जाके वही, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, जानकारों को भी ले जाके, जानकारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल ढूंढने कहाँ जाओगे, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, तो कत्ल का इल्जाम हमें कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं, हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है कहीं समझता हूँ किसी के इतने खूबसूरत मिसाले की सदारत मुझे सौंपी। आमतौर पर इस मौके पर जो साहिब मामला होता है, साहिब सत्र होता है, वो ये कहता है कि साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनमोहन दानिश का कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सदारत मुझे दे दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं इस काबिल था। और मैं आपको हमेशा के दो तीन बरस शहर के 30-35 साल से लगातार एक बड़े स्टूडियो में यहाँ स्टेडियम में हुआ करता था मुशायरा। यहाँ पर इस मुशायरे में मुझे विकास कुरैशी साहब मुजफ्फर बशीर बद्रू को 150 रुपये में लेकर आए थे भोपाल से यहाँ पर, और इस 35 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। और अभी मैं पिछले 3-4 साल से जिस तरीके से आपने इस मुशायरे के मीयार को बुलंद किया है और संवारा है, सजाया है, एक वृक्ष आता है, आप इसको सजा कर